आपका आज वीडियो में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेकंड पार्ट किस मूवी का, भूल भुलैया का 2007 वाली का टाइटल है अवनी ने दरवाजा खोला, भूल भुलैया मूवी क्लिप, अक्षय कुमार, विद्या बालन। तो चलिए देखते हैं वीडियो देखने से पहले। इस वीडियो चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को, उसके अलावा हम लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। चाबी बनवा के ओके। अच्छा इन्होंने खोला था ताला है ना शायद, वो बोलते तो हैं जो चाचा जी होते हैं। हाँ वैसे भाई जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए हम इतनी हिम्मत नहीं कर सकते। सही बात है, तुम कर सकते हो। अच्छा ताला कितना डिफरेंट सा है। हाँ ताले ही बंदा मार दो इस तरह का ताला। खुश होना चाहिए किसी ने हेल्प की है। हाँ तंग करने लग जाती है और क्या, जितने भी दरवाजा खुला उसी को छिपक जाती है। जैसे कमरा तो साफ है। हाँ तो पिक्चर किसकी लगी हुई है, मोंचली का की शायद। वैसे बड़ी बात है हिम्मत करके अंदर आना जब पता हो। वो मानती नहीं है ना। हाँ मतलब एक पूरा पोर्शन है, महल था ना ये, मतलब वो कोर्ट रूम है शायद। नहीं क्या था, चूहा था। मैं चुपली चुपली से डर गई। वो देखो वो पेंटिंग। हाँ मोंजलिका की शक्ल किसी है पता नहीं, याद है तुझे कुछ। नहीं मुझे सीन भी भूल गया। साड़ी भाई इतना तजस्सुस लाइफ में नहीं होना चाहिए। हाँ पेंटिंग भी नजर रही है। ये तुमने ठीक नहीं किया अवनी, पिताजी ने मना किया फिर भी तुमने दरवाजा खोला। खोला भी और आंखें फाड़ फाड़ कर देखा भी, कोई भूत भूत नहीं था वहां पे। या फिर दिखाई दिया नहीं होगा क्योंकि असर शुरू हो गया है। वो लोहार जिसने चाबी बनाई मर गया है। वो ये कौन सी लड़की, ये चेन क्यों है। हमें वहाँ ऊपर जाना मना है इसलिए। क्यों,
कहते हैं कि वहाँ भूत है। भूत? हम तो इस महल में कभी आते भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे तो जसूस पैदा हुआ था। भाभी, नहीं भाभी, अरे चल ना, मैं नहीं आने वाली। चल चल चल। अच्छा बहनों, देखते हैं कि हमारे घर में हमारे इजाजत के बगैर कौन रह रहा है। लुका छुपी खेल रहे थे और गिरिजा यहाँ आई थी छुपने के लिए। हमने उसकी चीख सुनी और ऊपर आए, बहुत ढूंढा पर मिली ही नहीं। लेकिन शाम को बद्री मामा और बाबा ने मिलके ढूंढा तो यही बेहोश पड़ी मिली। तब से उसका बोलना बंद है। सब कहते हैं कि भूत बाधा हुई है। चलो भाभी, हम जाएंगे यहाँ से। चाबी कहाँ है इस ताले की? मेरे बाबा के पास, लेकिन उनसे मांगने का ख्याल भी मत करना। आपको सब माफ है और मुझे बहुत मार पड़ेगी। सोच लो, तुम्हारे शरद की एक और अच्छी किताब है मेरे पास, चाहिए? हाँ। नंदिनी, नंदिनी, यहाँ आओ तुम, यहाँ आओ तुम। तुम्हें पता है ना, ये बहू तो यहाँ नहीं आई। तीसरी मंजिल पर जाना सख्त मना है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी अकल कर्पूर की तरह उड़ गई। बहू जी, तुम भी इस बात को अच्छी तरह समझ लो। आज से 65 साल पहले उस मंजिल के सारे कमरों को मंत्र तंत्र से बंद कर दिया था। दो आत्माओं का निवास है वहां पर। जैसे पढ़े लिखे लोग इस बात का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आजकल के परदेशी वैज्ञानिक भी भूत प्रेत और पिशाच में विश्वास करने लगे हैं। इस तेजाब ने हमारे परिवार की कई जिंदगियां जलाई हैं। ये सत्य है। मुर्दों की अतृप्त आत्माओं को ललकारने का क्या मतलब है? नहीं भूलूंगा सर जी। ओ सर जी, ठीक है, मुख पर आ गए। अच्छा खासा खेल चल रहा था कि अंग्रेज फिर से लपड़ लपड़ करने लगे। जरा बताओ तो स्कोर क्या हो गया? रन 197 और 3 विकेट। ये अंग्रेजी भाषा तो बंद कर देनी चाहिए, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। जाने अनजाने में आप भी कितनी अंग्रेजी बोलते हो पता है? कुछ अंग्रेजी शब्द का हिंदी नाम तो आपको पता भी नहीं है। अब क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं बोलो? क्रिकेट को हिंदी में कहते हैं गोल गट्टम लकड़पट्टम दे धनाधन खेल। क्या जमे राजा, क्या चल रहा है? जी वही पुराना झगड़ा, हिंदी अंग्रेजी का। हिंदी हिंदी सबसे बेहतर। अब अंग्रेजी में बिल्ली को कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? सी ए टी बोलते कैसे? कैट। मतलब क्या होता है? बिल्ली। अब हिंदी में लिखते भी बिल्ली है, बोलते भी बिल्ली है और मतलब भी बिल्ली है। लेकिन संस्कृत सबकी माँ है। अब ये बताओ, मूढ़ तालम कुंचिका किम, इसका हिंदी क्या होगा?
आप सोचिए, मैं कॉलेज हुआ था। अरे वो सवाल ही गलत है, मूढ़ तालम माने मूर्ख ताला। ताला कभी मूर्ख या सयाना हो ही नहीं सकता, ताला ताला होता है, चाबी चाबी होती है। जैसे मेरी हवेली की चाबी है अभी नहीं है। नहीं अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि अभी जाके निकालूं कि कब। तुम्हें कैसे पता चला? लो कमाल है, मुझे पता नहीं, तुम्हारी बेटी ने बताया। नंदिनी? हाँ। उसको कैसे पता चला? भाभी ने बताया होगा। उसको भी पता चल गया? अरे अब तो बहुत डांट पड़ेगी। अरे ये तो घर की बात है, पता चलना ही था, उसमें है क्या? तुम फिकर क्यों करते हो, मैं अभी निकाले देता हूँ। आजा आजा मुरारी भैया, बड़े बहादुर। अरे तुम आओ तो सही भाई, सोच रहा था कल निकालू लेकिन बड़ी बेचैनी हो गई है। गर्मी का मौसम है ना, इसलिए 10 बाल्टी चोटी पे डालना हर हर गंगे बोल के, बहुत अच्छा लगेगा, बस अपना काम हो जाए। एक बात बता, वहाँ रात को अंधेरे में तुम्हें डर नहीं लगेगा? अरे इसमें डरने की क्या बात है, बस कुएं तो है। कुएं? वो चाबी की बात कर रहे हो, बाल्टी की बात कर रहे हैं? बाल्टी कुएं में है ना। बाल्टी है? अरे चाबी महल में है। तो निकालना क्या है, चाबी बाल्टी या कुआं? अरे ढप्पर शंख, मेरी चाबी महल में रह गई है, वो निकालनी है। चाबी? हाँ। महल में? महल में अभी? हाँ? इस अंधेरे में? ना, मैं नहीं चलने वाला। बड़ी बहादुरी दिखा रहे थे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना। चलो रानी जी पीछे पीछे हो गए। आवाज भी नहीं निकली। शिट। ओह गॉड। भाई अवनी जी जो है ना बहुत ज़्यादा बहादुर जो है बनाई हुई हैं भाई। मुझे पता चले ना किसी कमरे में प्रेत आत्मा का जो है वो राज है, मैं तो उस कमरे के पास से ना घुस। नहीं मुझे ऐसा लगता है ये बहादुरी नहीं होती, ये बहुत सारे लोगों की जान जोखिम में डालना होता है भाई। उनके लिए तो बहादुरी है ना, वो बहादुर बन के अंदर गई भाई, कुछ भी नहीं है। वो पीछे चाबी बनाने वाले की बेशक जान चली गई, लेकिन उनके मुताबिक कुछ भी नहीं है उस कमरे में। नहीं भाई मुझे ऐसा लगता है आप किसी जगह पर जाते हो ना, आप उस जगह को सम्मान देना चाहिए, वहाँ के लोगों की बात सुननी चाहिए। सही बात है। वैसे तो क्या नाम लेते हैं, जो भी इंद्र प्रेत आत्मा से खुश होना चाहिए था, चाबी बनाकर उसने दिया, आजाद करवाया उसने, उल्टा जाकर उसे मार दिया। बड़ी आसान फरामोश है। सही बात है। हाँ। लेकिन वैसे अब खैर हम लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये कि मूवी मजा आता है ये वाली मूवी देखने का। जैसे हालांकि इसमें आपको जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगती है ना, वो लोकेशन लगती है कि एक्चुअल लोकेशन आपको नजर आती है। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, एक साइड पर ऐसे लग रहा है राजस्थान है, दूसरी साइड पर हमें घाट नजर आ रहा है और वो ऐसे लग रहा है जैसे बनारस का घाट है। तो ये जरा बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि ये क्या सीन है, मतलब हम भी हो सकते हैं वो एक सीन जो है वो उधर बनारस में जो है वो शूट किया गया हो। अच्छा वैसे क्यों, मतलब क्या लिंक क्या है उसका बनता है? मतलब हम लोग तो ऐसे देख रहे हैं ना मूवी, तो क्योंकि बहुत टाइम पहले मूवी देखी है तो इसलिए इतना आइडिया नहीं है। विद्या बालन जिस तरीके से वो एंटर हुई हैं उस जगह में, उस महल में, और भाई एक एक जगह की एक चीज़ की इतनी क्यूरियोसिटी उनको हो रही थी, मतलब सीरियसली हमारे जैसे लोग तो कभी एंटर नहीं होंगे। बट वैसे मुझे मौंजुलिका को देखने का काफी ज्यादा शौक हो रहा था लास्ट वाले एपिसोड से। हाँ मुझे याद आ गई, अब मतलब याद ये क्या मैंने देख लिया, अब पता नहीं
एक्चुअली में यही वाली मंजुलिका है या नहीं, कि वो जनरेशन टू जनरेशन कैसे पास ऑन कर रही है अपनी यू नो शक्तियां. एग्जैक्टली, क्योंकि अभी तो भूल भुलैया 3 भी देखने को मिल गई, लेकिन वैसे अस्टानी जी को देखने का बड़ा मजा आया मुझे लास्ट में, जिस तरीके से वो पीछे से भागे ना. लेकिन देखो एक साया तो नजर आता ही है. बिल्कुल साया नजर आया, लेकिन वाकई में अस्टानी जी जिस तरह छोड़ के गए हैं ना, तो बाकी जो बंदा साथ आया ना उसका भी दम निकल सकता था कि भाई ये भी तो इधर खड़ा था, कहाँ गायब हो गया बंदा ये वाला. और खासतौर पर जब आपको इस तरह किसी का साया जो है वो नजर आ रहा हो, तो आप वाकई में भाई सुनसान रास्ता भी हो ना दूर से, क्योंकि रोशनी में समटाइम्स रात की रोशनी में साया को लंबे नजर आते हैं, आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, तो वो ही चीज बन कर आपके सामने आती है. एग्जैक्टली, तो भाई उसमें भी आपकी जान जो है वो निकल, खैर बंदा डर सकता है, चीखे मार सकता है, भाग सकता है. हाँ, अभी थोड़े दिन पहले मैं बता रहा था कि आपको ये शायद बता रहा था कि नींद में यानी ख्वाब में मैं ख्वाब देख रहा था और उस ख्वाब में मुझे साये ने दबाया हुआ था. हाँ, डर लगता है समटाइम्स इस तरीके से. लेकिन हर मूवी, हालांकि तुम ये देखो बैकग्राउंड स्कोर अगर तुम इसकी बात करो ना, तो आपको बीच बीच में से कुछ कुछ म्यूजिक जो है वो सुनने को मिलेगा. मोस्टली आपको जो है वो जो मतलब एक कह लो कि उस जगह की जो खामोशी होती है, जो वाइब है, उसको इसमें बड़ा हाईलाइट किया हुआ है. और वो ही आपको सबसे ज्यादा मतलब, यानी कि अगर जैसे कोई बंद जगह पड़ी हुई है, और मुझे तो वैसे लग रहा था कि जहाँ पर वो लोग निकलती हैं ना, वो कुछ मुझे रियल लोकेशन लग रही होती है, कि जैसे शीश महल टाइप नहीं होता. वही मैं कहना था, एक तो वो जो भूत वाली जगह थी साफ सुथरी भी बड़ी थी. हाँ, ना वहाँ पे आपको मट्टी शट्टी वो सो बंद किया था ना, तो सफाइयां करती रहती होगी. हाँ, वही ना, और तो की काम. लेकिन क्या की बीच में मतलब जैसे चाचा जी ने बोला की दो जो आत्माएं हैं उनका निवास है, तो मुझे तो सिर्फ मौजलिका का लगता था. दूसरी वो जो मेरा ख्याल है जो मौजलिका का आशिक होता है ना, मुझे याद है वो गाना आमी जे तो माँ, उसमें दोनों को मार देता है मेरा. नहीं, आशिक तो मेरा ख्याल में वो नहीं था, वो जो मास्टर जी बने होते हैं. वो मास्टर जी आशिक होते हैं ना, तो मेरा ख्याल है खाली मास्टर जी को मारता है, और वो जो होते हैं ना मौजलिका, वो फिर उसका बदला लेने के लिए शायद वहीं पे रहती है. चलो देखते हैं अभी आगे होता है क्या. आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो, और इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर. गुड बाय.